दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी सीओडी आईडी रिकवर करके एक नए मोबाइल में डालना चाहते हैं। अपनी आईडी रिकवर करने के लिए मैंने ये 3 स्टेप ट्राई किए थे, जिसमें से ये पहला स्टेप तो आप में से कई लोग ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा सेकेंड स्टेप के लिए, जिसमें 99% चांस है कि आप अपनी आईडी रिकवर कर सकते हो। एक यहाँ पर थर्ड स्टेप भी हो सकता है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अपनी गेम ओपन कर लीजिए। जिस फर्स्ट स्टेप के बारे में मैं आपको बता रहा था, आप उसको YouTube में चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम सबकी फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगी लॉगिन विद फेसबुक अकाउंट, जो कि आपके पुराने मोबाइल में फेसबुक लॉगिन था। सेम अगर आप वही लॉगिन यहाँ पे ट्राई करोगे तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वो सक्सेसफुल कर जाएँ और वो आपकी आईडी लॉगिन हो जाए कॉल ऑफ ड्यूटी पे। लेकिन मेरे केस में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, मैं एज अ गेस्ट यूज़ कर रहा था और फेसबुक प्रोफाइल के लिए कोई अलग लॉगिन था, जिससे मेरे जो है पॉइंट्स रिकवर नहीं हुए। तो यहाँ पे मैं बहुत ही शॉक रह गया कि स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो ये मेरा कोई और ही लॉगिन आईडी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो अकाउंट लॉग आउट कर दिया, तो और ट्राई करूँगा यहाँ पर मैं अनदर कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई अकाउंट चेक करने की। तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी का अपना अकाउंट डाला और उसका पासवर्ड डाला। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ये भी जो मेरा अकाउंट है ये भी सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हुआ। तो मैं कोई भी अकाउंट से यहाँ पे अपने लॉगिन नहीं कर पाया और मैं भूल गया कि मैं किस अकाउंट से लॉगिन था। तो ये प्रॉब्लम थे, आइए ढूँढते इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना है। आप कोई ना कोई जीमेल आईडी से तो लॉगिन होंगे इस गूगल क्रोम में, तो आपको जाना है गूगल क्रोम की सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों जाना है, इसके नीचे ऑप्शंस है पासवर्ड्स की, तो आपको पासवर्ड में जाना है और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिफरेंट यूज़र नेम के और डिफरेंट अकाउंट्स आपके यहाँ पर दिख जाएंगे, कि अमेज़ोन या फिर फेसबुक या अदर जो लॉगिन और पासवर्ड यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी के इतने प्रोफाइल मेरे लॉगिन थे, यानी कि 4 प्रोफाइल लॉगिन थे। पासवर्ड आप इन अकाउंट्स का यहाँ पे टिक करके चेक कर सकते हो और अपने मोबाइल का पासवर्ड डालोगे तो आपको यूज़र नेम के साथ पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह आप अपने सभी अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड नोट डाउन करके रख लीजिए और आप यहाँ पर दूसरे मोबाइल में कॉल ऑफ ड्यूटी ऐप को ओपन करिए और आप एक एक करके ट्राई कीजिए यहाँ पे यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल के। और आपको ट्राई किस पे करना है, कॉल ऑफ ड्यूटी के लॉगिन पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के लॉगिन पे टिक किया है, लॉगिन करो और ये पेज ओपन हो रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी के लॉगिन का। और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट जो क्रेडेंशियल है या अकाउंट है उसका मेल आईडी और पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने डाला दोस्तों अपना फर्स्ट अकाउंट की डिटेल्स, तो मैंने क्या चेक किया, यहाँ पे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो जो है फेल हो गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने ट्राई किया है अपना सेकंड अटेम्प्ट, तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने अपना डाला दूसरा यूज़र नेम और जो उसके साथ पासवर्ड था उसके साथ मैंने वो ट्राई किया है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट मेरे को क्या चेक करना है कि ये सेम अकाउंट है जो मैं दूसरे मोबाइल में यूज़ कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये सेम अकाउंट है और मेरे सारे CP रिकवर हो चुके हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक थर्ड स्टेप भी बताया था। थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, COD की सपोर्ट टीम को मेल डालनी है अपने COD आईडी रिकवर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना COD आईडी रिकवर कर सकते हो। अगर आप रिकवर कर पाए, प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।